नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि एक दर्शघर या दुकान बनाने के लिए वास्तु के अनुसार प्लाट या भूखंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और प्लाट का आकार कैसा होना चाहिए। आजकल के समय में दोस्तों सभी लोगों की इच्छा होती है कि उनका एक अपना घर या मकान हो, इसलिए सभी लोग मेहनत करते हैं और अपनी समर्था के अनुसार ज़िंदगी में एक छोटा या बड़ा घर जरूर बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहली मूल आवश्यकता प्लाट या भूखंड की होती है। यह प्लाट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। वास्तु के अनुसार जिस प्लाट या भूखंड पर घर या दुकान का निर्माण करना होता है, उस प्लाट की लंबाई चौड़ाई और उसका आकार भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यह चीज़ें भी घर में रहने वाले सदस्यों के सुख सौभाग्य और आयु पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। यह घर में निवास करने वाले सदस्यों की सेहत और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों सही लंबाई चौड़ाई और आकार में चुना गया प्लाट जहाँ लाभकारी होता है, वहीं गलत प्लाट का चुनाव आपके सारे काम बिगाड़ भी सकता है। इसलिए दोस्तों, घर या दुकान बनाने के लिए कोई भी प्लाट या भूखंड खरीदते समय आपको उसकी सही लंबाई चौड़ाई और आकार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर या दुकान बनाने के लिए प्लाट या भूखंड की सही लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और इसका आकार कैसा होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों किसी भी प्लाट को खरीदते समय प्लाट की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उस प्लाट की लंबाई चौड़ाई के अनुपात का भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्लाट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी वास्तु में बहुत महत्व रखता है। यह अनुपात भी घर के सदस्यों की सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि हर प्लाट या भूखंड एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा से भरा होता है। यह ऊर्जा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय लहरों के रूप में लगातार प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा, चुंबकीय फील्ड या विद्युत चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भूखंड या प्लाट पर कोई निर्माण होता है या उस प्लाट को किसी चार दीवारी से घेरा जाता है, तो जैव विद्युत चुंबकीय ऊर्जा सहज ही घर में प्रवेश करके ईशान कोण से निरत कोण की तरफ जाती है और घर में रहने वाले सदस्यों को शुभ प्रभाव देती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी प्लाट की लंबाई चढ़ाई का अनुपात इस चुंबकीय प्रभाव को घटा या बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्लाट की सही लंबाई चढ़ाई उसी प्लाट की लंबाई चढ़ाई के अनुपात पर निर्भर करती है। वास्तु के अनुसार किसी भी प्लाट की लंबाई चढ़ाई का सही अनुपात क्या होना चाहिए, इस बात को दोस्तों हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मान लो एक प्लाट की चारों भुजाओं की लंबाई चढ़ाई 50 फुट है, यानी कि प्लाट की सभी भुजाओं की लंबाई चढ़ाई एक समान है, तो ऐसे प्लाट को दोस्तों वर्गाकार प्लाट कहेंगे और इस प्लाट का अनुपात 1:1 होगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों ऐसे वर्गाकार या 1:1 अनुपात वाले प्लाट को घर, दुकान या फैक्ट्री आदि बनाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसे प्लाट में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह ईशान कोण से निरत कोण तक पूर्ण रूप से होता है, जो घर के सदस्यों को लाभदायक और शुभ प्रभाव देता है, जिससे घर में निवास करने वाले सदस्य अपना जीवन शांतिपूर्वक और सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो आपको घर या दुकान बनाने के लिए वर्गाकार या 1:1 अनुपात वाले प्लाट को ही खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा प्लाट ना मिल रहा हो तो आप 1:1:5 अनुपात वाले प्लाट यानी चौड़ाई से 1.5 गुना लंबाई वाले प्लाट को भी खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लो किसी प्लाट की 2 भुजाओं की चौड़ाई 30 फुट है और 2 भुजाओं की लंबाई 45 फुट है, यानी कि चौड़ाई से लंबाई 1.5 गुना है। दोस्तों, ऐसे प्लाट को आयताकार प्लाट कहा जाएगा। दोस्तों, यह प्लाट भी घर या दुकान बनाने के लिए अच्छा होता है। इसमें भी चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव पूर्ण रूप से होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 1:1 या 1:1:5 अनुपात वाली प्लाट या भूखंड ना मिल रही हो, तो आप 1:2 अनुपात वाला प्लाट या भूखंड भी खरीद सकते हैं। इस प्लाट की लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लो एक प्लाट की 2 भुजाओं की चौड़ाई 30 फुट है और 2 भुजाओं की लंबाई 60 फुट है, यानी कि प्लाट की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ऐसे प्लाट को भी दोस्तों आयताकार प्लाट कहा जाता है। दोस्तों, यह प्लाट भी घर या दुकान बनाने के लिए अच्छा होता है। इसमें भी चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव पूर्ण रूप से होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को प्लाट की चौड़ाई से 2.5 गुना या 3 गुना लंबाई वाले प्लाट पर घर या दुकान आदि का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो दोस्तों, एक 3:1 अनुपात वाले प्लाट की 2 भुजाओं की लंबाई 90 फुट है और 2 भुजाओं की चौड़ाई 30 फुट है, यानी कि प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। वास्तु के अनुसार दोस्तों ऐसे अनुपात वाले प्लाटों को
घर दुकान आदि बनाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस प्लाट की चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होने के कारण यह प्लाट पतला, लंबा और तंग हो जाएगा, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय लहरों को ईशान कोण से नैऋत्य कोण तक पहुंचने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी प्लाट में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है तो इस ऊर्जा के शुभ प्रभाव में भी कमी आ जाएगी, जो घर के सदस्यों के लिए ठीक नहीं। ऐसी लंबाई चौड़ाई के अनुपात वाले घरों में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनके कामों में भी बाधाएं आती हैं। ऐसे लोगों की तरक्की जिंदगी में बहुत कम होती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्लाट या भूखंड में वास्तु पुरुष की कल्पना एक ऐसे उल्टा मुख करके लेटे हुए पुरुष के रूप में की जाती है, जिसका सिर ईशान कोण और पैर नैऋत्य कोण की तरफ होते हैं। दोस्तों, अगर कोई प्लाट ज़्यादा लंबा, पतला, तंग या सिकुड़ा हुआ होगा तो ऐसे प्लाट में वास्तु पुरुष भी प्लाट के मुताबिक सिकुड़ जाएगा, जिससे वास्तु पुरुष की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और वह घर के सदस्यों को पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। वास्तु पुरुष की कमज़ोर स्थिति के कारण घर के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, 1.2 अनुपात से ज़्यादा लंबाई चढ़ाई वाले प्लाट या भूखंड को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।